By the way, Sejal, meet my friend Sonia. What's up? My dance partner. इस कॉन्टेस्ट में मेरे साथ पार्टिसिपेट कर रही है। वैसे क्यों देख रही? एक सजेशन दूं? अपने लिए एक अच्छा सा सीधा साधा सा कुज्जू लड़का ढूंढ लो। तुम्हारे साथ वो जिंदगी भर वो क्या खेलते हैं? डांडिया। डांडिया वांडिया खेलता रहे। ओके? तुम भी खुश रहोगी, वो भी खुश रहेगा। ऑल द बेस्ट। शुड वी रोल डालें? या श्योर। बाय गॉड, पता नहीं ये सीजर कहाँ है। ये ले, ला, दे मुझे सामान। सब कुछ है ना? क्या हुआ? तू रो रो क्यों रही सेजल? अरे जल्दी चलो, वो लोग स्टेज रिहर्सल के लिए बुला रहे हैं। हाँ सेजल। क्या क्या? अरे बता तो सही बाबा, क्या हुआ? दीदी किस सीजल कहाँ चली गई? अच्छा लग रहा है ना? मुझे भी तो अच्छा लग रहा है। एंड ट्राई। हाय रुपा, पता नहीं कहाँ रह गई। मोना पुत्र। ताई जी। वो परमीत के कपड़े लाया हूँ। कहाँ है वो? वो अपने ग्रीन रूम में होंगे। चलिए मैं आपको ग्रीन रूम ले चलूँ। थैंक गॉड पापा जी, आप टाइम पे आ गए। मैं तो घबराई गई थी। पापा जी, ये क्या उठा ले? ये तो गलत कॉस्ट्यूम है। सर मुझे क्या मालूम था, मुझे जो मास्टर जी ने दिए मैं वो ले आया। पर एक बार फोन करके पूछ ही लेते। हाय रब, अब क्या होगा? स्वीटी परेशान मत हो, मैं अपनी शादी वाली पठानी पहन लूंगा, वो भी नया ही है। ठीक है? अच्छा वो भी तो घर पे है, वो कहाँ से पहनोगे? ठीक है मैं घर जाके लेके आता हूँ। चलो तैयारी कर ले। हाय रब्बा, ये सीजल कहाँ रह गई? क्या कर रही है? मोना तुम यहाँ हो? चलो चलो जल्दी रिहर्सल के लिए चलना। सीजल? अरे सीजल यहीं कहीं होगी, तुम चलो रिहर्सल करनी, चलो। जाने देना सीजल, तू देख, तू ये सोच कि अच्छा ही हुआ तुझे पता चल गया, अगर बाद में पता चलता तो कितनी तकलीफ होती। चुप हो जाना सीजल प्लीज। करण आ गए, तू बिल्कुल चुप हो, उनके सामने मत रो, और तैयार होने में मेरी मदद कर, मैं लेट हो जाऊंगी। क्या हुआ करण? वो गोल्डी है ना, वो किसी और लड़की के साथ कंपटीशन में भाग ले रहा है, और गोल्डी और उस लड़की ने मिलके सेजल को बाहर बहुत बुरा भला कहा है। वो ऐसा क्यों कहेगा? कोई मिसअंडरस्टैंडिंग होगी, मैं भी जाकर उससे बात करूं। नहीं करण, तुम रुको, देखो ये सब बाद में करना, तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, हम लेट हो जाएंगे। सीजल तू सुन मेरी बात। देख तू उस गोल्डी की बातों पे बिल्कुल ध्यान मत दे, हमारे लिए तू लाखों में एक है। चुप हो जाना प्लीज, चुप हो जा। हालत तो देखिए जरा, जल्दी से तैयार हो जाओ, बहुत होगी रिहर्सल। बाय गॉड सेजल, यहाँ से भी जरा। तू रो क्यों रही थी? बस ऐसे मेरा मन भरा। सच सच बोला? जल्द ही कॉन्टेस्ट शुरू होने वाला है। चलो 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 चलो, बाद में तैयार होना यार। All the best, all the best. अरे जा, बस अच्छी। अरे जा।
रब्बा मेरी तो जान ही निकली जा रही है, एक एक पल ना मैनू बड़ा ही भारी पड़ रहा है। हाँ पता नहीं कब हमारे बच्चे आएंगे स्टेज पे, कब शुरू करेंगे डांस परफॉर्मेंस जी। नमस्कार, गुड इवनिंग। राम मिलाए जोड़ी कॉन्टेस्ट में राम जी द्वारा बनाई गई सभी जोड़ियों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। अरे अरे घबराइए नहीं, जिन जोड़ियों को राम जी बनाना भूल गए थे उनका भी बहुत बहुत स्वागत है, जोरदार तालियां। चलिए सबसे पहले आपकी मुलाकात कराता हूँ उन 15 जबरदस्त जोड़ियों से जिन्हें राम जी ने खुद बनाया है। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए हमारी 15 जोड़ियों का। तो सबसे पहली जोड़ी आ रही है परमीत और स्वीटी। दूसरी जोड़ी हेतल और करण। तीसरी जोड़ी मोना और अनुकल्प। चौथी जोड़ी गोल्डी और सोनिया। अगली जोड़ी राज और प्रियंका। जोड़ी नंबर 15 राज और पूजा। ये है हमारी आज की जोड़ियां जो परफॉर्म करेंगी आप सबके सामने। तो जोड़ियां आराम से जाके बैठिए, जोरदार तालियां। लात के लिए, मेरा मतलब है कि मुकाबले के लिए पूरी तरह से हैं तैयार, लेकिन इनके मुकाबले को आज हमारे साथ मिलके जज करेगी एक और खास जोड़ी। अब आप लोग बेसब्री से इंतजार करोगे कि यार वो खास जोड़ी कौन सी है। मैं आपको बताता हूं कि वो खास जोड़ी है द गॉर्जियस ब्यूटीफुल दिया मिर्जा एंड द हंग जाहिद खान। जागे जागे सोए सोए हम नहीं, जरा जरा खोए खोए हम नहीं, चाहतों को दिल में डुबोए रहे। लव 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 क्या चीज है। जागे जागे सोए सोए हम नहीं, जरा जरा खोए खोए हम नहीं, चाहतों को दिल में डुबोए रहे। लव 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 क्या चीज है। शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। तो एक सवाल है दोस्तों, कहीं सुना था ना जाने किस उल्लू के पट्टे ने कहा कि ऑपोजिट्स अट्रैक्ट। आपका क्या कहना है नैना? कुछ भी हो जाए, आई थिंक कि कोई भी रिलेशनशिप परफेक्ट नहीं होती। यू नो, उसे परफेक्ट बनाने के लिए कोशिश जारी रखनी चाहिए। गुड वन। लेकिन जरा सोचो, अगर रिलेशनशिप भी परफेक्ट हो और सामने से और भी परफेक्ट ऑप्शन आ जाए तो वेलकम जाहिद। थैंक यू जाहिद और रिया। अब आप लोग की जो नोकझोंक वाली कहानी है तो मतलब हर कपल में होती है, हर जोड़ी में कुछ ना कुछ नोकझोंक जरूर होती है। और ऐसे ही हमारी राम मिलाए जो जोड़ी है ना जी, जी जी उनके बीच भी काफी जो जोड़ियां हैं उनके बीच काफी नोकझोंक होती है। पर इंटरेस्टिंग बात ये होती है कि नोकझोंक होने के बावजूद वो कैसे एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं ये देखने आए हैं आज हम। तो फिलहाल जाहिद एंड रिया थैंक यू सो मच, और आप लोग हमारे साथ बैठिए और बाकी की जोड़ियों की किस्से सुनिए, है ना? जरूर जरूर। जाहिद खान, थैंक यू, बेसब्री से इंतजार। तो आइए इस कंपटीशन को आगे बढ़ाते हैं और सबसे पहले राउंड को इंट्रोड्यूस करते हैं। मैं जाकर हेतल से बात करके आती हूं।
अभी मत, बाद में जाना। ब्राउन का नाम है हम बने तुम बने एक दूजे के लिए। जी हाँ, यही है हमारे इस राउंड का नाम, क्योंकि इसमें होगा कंपैटिबिलिटी टेस्ट, यानी कि हमारी जो जोड़ी मंच पे आएगी उनसे हमारे जो स्पेशल जजेस हैं वो पूछेंगे कुछ सवाल, सवालों के जवाब मैच करने चाहिए। और यार इसके बाद बड़ा मजा आएगा, इसके बाद पता चलेगा कि वो कौन सी जोड़ी है जो यहाँ से जीत के पहनेगी फूलों का हार, और वो कौन सी जोड़ी है जो यहाँ से हार के घर जाके खाएगी मार। तो चलिए खेल की शुरुआत करते हैं, बुलाते हैं आज की सबसे पहली जोड़ी को, जो कि है जोड़ी नंबर 5, परमीत और स्वीटी। आइए। जाने दीजिए उनको इधर। जी आइए परमीत, आइए स्वीटी। तो परमीत और स्वीटी, अब मैं आपसे यहाँ पूछूंगा कुछ सवाल, और स्पेशली हमारे जजेस भी पूछेंगे आप दोनों से सवाल, और उनका आपको जवाब देना है, और उसके आधार पर ही ये पता चलेगा कि आप दोनों की कंपैटिबिलिटी कितनी अच्छी है। सबसे पहले जाहिद जी आप पूछिए। ऑलराइट स्वीटी, मैं एक सवाल करूंगा, क्या आपको अपने पति की पहली गर्लफ्रेंड का नाम पता है? बिल्कुल पता है जी, का नाम है स्वीटी बेबी। थैंक गॉड, कुछ और नहीं बोला, कुछ है ही नहीं और, नहीं तो यही शाकाल बन जाते बेटे आज। अब दिया जी पूछेंगी, दिया जी आपका सवाल। अच्छा परमीत, अब आप बताइए कि क्या आपको स्वीटी के पहले बॉयफ्रेंड का नाम पता है? जी बिल्कुल, परमीत। ओहो, अरे क्या बात है यार, मुझे तो लगता है आप दोनों घर से जवाब याद करके आए होंगे, आई एम श्योर। नहीं लेकिन विपुल, मुझे इनका जवाब बहुत अच्छा लगा। आई नो इट्स ट्रू, इट वाज वेल डन, इट वाज एज स्वीट एज स्वीटी। सही बोल रहे हैं, जब आप कह रहे हैं तो सही बोल रहे होंगे यार। जोरदार तालियां हो जाए स्वीटी और परमीत के लिए, थैंक यू सो मच। तो चलिए अब बुलाते हैं हमारी अगली जोड़ी को, जो कि है जोड़ी नंबर 8, करण और हितर। बड़ी हूटिंग हो रही है आपके लिए, तगड़े फट्टे ये सब, यहाँ नहीं, यहाँ आइए मेरे साथ, जरा यहाँ खड़े होइए। जरा वाइफ ऑन द राइट एंड द हस्बैंड ऑन द लेफ्ट, ऐसी जोड़ी बननी चाहिए। आप दोनों का मंच पे बहुत बहुत स्वागत है, और अब मैं और हमारे जो जजेस हैं खास, वो आपसे मिलकर पूछेंगे कुछ खास सवाल, जो आपकी कंपैटिबिलिटी को टेस्ट करेंगे, जानेंगे कि आप दोनों एक दूसरे को कितनी अच्छी तरह से जानते हैं। ठीक है, ये जो ब्लू वाला है ये मर्दों के नाम, और पिंक कलर है ये आपके नाम। और अब जो भी सवाल मैं आपसे पूछूंगा उसका जवाब लिख के आप इस फिश बॉल में डाल दीजिएगा, अगर जवाब दोनों का एक जैसा निकला तो मतलब आप दोनों की कंपैटिबिलिटी अच्छी है, और अगर जवाब गलत निकला तो फिर बाद में सुलझ दीजिएगा, है ना। तो हे तलो करण, आप दोनों तैयार हो जाइए, क्योंकि पहला सवाल आ रहा है, और आप दोनों के लिए पहला सवाल है, हेतल करण को खाली समय में क्या करना पसंद है? इसका जवाब आप लिखिए, और करण आपको खाली समय में क्या करना पसंद है? इसका जवाब आप लिखिए। यानी अब हमें पता चलेगा कि हेतल और करण की जो कंपैटिबिलिटी है वो कितनी सही है। हेलो, आप लोग लिखिए, मैं एक सेकंड में आया। हाँ जी, लिख लिया, डालिए फिश बॉल में, डाल दीजिए अपने अपने जवाब। दोनों ने अपने अपने जवाब फिश बॉल में डाल दिए हैं, जो ब्लू वाला है वो करण की ओर से, और जो पिंक वाला है वो हेतल की ओर। अब करण अपने बारे में क्या लिखते हैं ये जानते। करण ने लिखा है कि मुझे खाली समय में छत पर जाकर खुले आसमान को देखना पसंद है। छत पर जाके खुले आसमान को देखना पसंद है आपको, वाह लवली फीलिंग। और हेतल लिखती हैं कि करण को खाली समय में छत पे जाके खुले आसमान को देखना पसंद है, लवली। क्या बात है,
मतलब सचमुच आप बहुत अच्छे से जानती हैं है ना, शर्मा भी रही हैं, पूरी हिंदुस्तानी एकदम दिल्ली हिंदुस्तानी है ना। अच्छा अब दिया जी आपसे कुछ सवाल पूछना चाहती हैं। दिया जी आप पूछिए इनसे कुछ सवाल। करण मेरा सवाल आपके लिए ये है कि थोड़ा सा नॉटी है, अगर आपको मौका मिले किसी और के साथ शादी करने का तो आप किसके साथ करेंगे? एक और मौका है मतलब शादी करने का मौका देनी एक और हेतल से। स्वीट हाँ जाहिर जी आपको सवाल पूछना चाहते हैं जी आप पूछिए। अच्छा हेतल ये मौका आपको भी दिया जाए तो आप क्या करेंगे? जी मैं करण से शादी करूँ। अरे बाबा ये तो राम मिलाई क्या जोड़ी है। हम बने तुम बने एक दूजे के। जी जी आप समझ ही गए हैं। वैसे ये तो हमारी जबरदस्त जोड़ी थी। थैंक यू हेतल एंड थैंक यू करण सो वेरी मच। थैंक यू। जोरदार ताली हो जाए जोड़ी नंबर 8 के लिए। तो अब बुलाते हैं हमारी राम मिलाए जोड़ी की अगली जबरदस्त जोड़ी को जो कि है जोड़ी नंबर 4 मोना और अनुकल्प। आइए थैंक यू मोना कैसी हैं आप? एकदम भली चंकी बाय गॉड। आप कैसे हैं? आप कैसे घबराए हुए लग रहे हैं? जी थोड़ा सा नर्वस हूँ। क्यों? वो क्योंकि आज कंपैटिबिलिटी टेस्ट होने वाली है। नहीं वो मैं पहली बार स्टेज पे डांस करने वाला हूँ इसलिए। पहली बार स्टेज पे डांस करने वाले हैं? और ये जो सच्चाई भरा राउंड में खेलने वाला हूँ आपके साथ उसका क्या आपको लगता है पास हो जाएंगे? हाँ जरूर पास हो जाऊंगा। और आपको जी आपको क्या लगता है? जी भी लगता है पास हो जाएंगे। पास आएंगे सब जगह पास हो जाएंगे। तो हमारा पप्पू पास हो ही रहेगा। एक काम करते हैं सबसे पहले इनसे इनका सबसे पहला सवाल पूछ लेते हैं। आपके जीवन साथी को सबसे ज्यादा खाने में क्या पसंद है? ये मोना हमें बताएंगी कि अनुकल्प को खाने में सबसे ज्यादा क्या पसंद है ये आप लीजिए। और आपको खाने में क्या पसंद है ये आप हमें यहाँ लिख दीजिए। हमारा असली मुकाबला इन दोनों से। आ गया आपका जवाब। दोनों के जवाब हमें यहाँ मिल चुके हैं लेकिन इसी के साथ मेरे सवाल यहाँ पर समाप्त होते हैं। दिया जी आप कुछ पूछना चाह रही हैं? ये देखिए अनुकल्प हमें ये बताइए कि आपकी लव मैरिज है या अरेंज? जी लव मैरिज। दैट्स वंडरफुल दैट्स सो ब्यूटीफुल। वैसे एक बात बताइए कि आप दोनों में से किसने किसको प्रपोज किया? किसी ने किसी को प्रपोज नहीं किया था बाय गॉड। हम लोग प्रपोज करने से पहले ही एक दूसरे के साथ भाग गए थे। रियली प्यार ऐसा भी होता है? प्यार ऐसा ही होता है यार है ना। थैंक यू मोना थैंक यू अनुकल्प थैंक यू सो मच। जोरदार तालियां हो जाए जोड़ी नंबर 4 के लिए। थैंक यू। जोड़ी नंबर 11 गोल्डी और सोनिया आइए। हाँ तो गोल्डी क्या अपने सोनिया के साथ ये जोड़ी सिर्फ कॉन्टेस्ट के लिए बनाया गया या जिंदगी भर के लिए? जिंदगी भर के लिए नहीं सर 7 जन्मों के लिए। वाह क्या बात है। अच्छा सोनिया अभी आप हमें बताइए कि क्या आप भी गोल्डी के साथ 7 जन्म का साथ निभाना चाहेंगी? तो समझ के बोलना सोनिया जिंदगी भर का मामला है। यस मैम मैं अभी इनका साथ कभी नहीं छोड़ूंगी। दैट्स वंडरफुल रियली नाइस सुपर्ब। जो हो रहा है अच्छा ही हो रहा है। कम से कम सेजल को इस नाला की सच्चाई तो पता चल रही है। तो जोड़ी नंबर 11 थैंक यू सो मच यहाँ आने के लिए और जोरदार तालियां हो जाएं। थैंक यू। तो अब बुलाते हैं आज की आखिरी जोड़ी को जो है जोड़ी नंबर 15 राज और पूजा आइए। हाय रब्बा भाभी आपको झूठ नहीं बोलना चाहिए था कितनी गलत बात है। हाँ जब अम्बा जी ने इतना कहा तब तो तुमने मना कर दिया था ना हेतल। बाय गॉड अब अम्बा जी को कितना बुरा लगा होगा ना। मोना बिल्कुल सही कह रही अम्बा जी कोई क्यों हमें भी बहुत बुरा लग रहा है
ऐसी कौन सी गाल हो गई जो तुम्हें हमसे झूठ बोलना पड़ा? जी आप लोग गलत समझ रहे हैं, हम तो बस आपको सरप्राइज देना चाहते थे। हाँ, खास करके अंबाजी को, ताकि उन्हें एहसास हो सके कि उनकी बेटी भी अच्छी डांसर है। तो इसी के साथ खत्म होता है हमारा ये राउंड, लेकिन आप लोग कहीं मत जाइएगा, थोड़ा सा इंतजार कीजिए, क्योंकि जो अगला राउंड है ना वो एकदम धमाकेदार राउंड है, क्योंकि वो है हमारा फाइनल राउंड जिसका नाम है जोड़ी डांस नच बलिए के संग। इसमें देखने में मजा आएगा कि कौन सा पार्टनर किसकी ट्यून पर नाच दिखाता है। तो सबसे पहली जोड़ी जो इस मंच पे अपने डांस का जलवा बिखेरने आ रही है वो है जोड़ी नंबर 5 परमीत और स्वीटी। जोड़ी नंबर 5 का ये जबरदस्त परफॉर्मेंस देखकर तो यार मन बड़ा खुश हो गया, लेकिन अगली जो जोड़ी है वो है गोल्डी और सोनिया, जोड़ी नंबर 11। Con tu querer, a veces ya, no me llama, yo vi tu mano.
ने मुझसे कहा है सेनोरिटा, मगर फिर भी न जाने क्यों मुझे सुन के अच्छा लगा है सेनोरिटा. No desvíe la mirada, quédate cerca de mí. Mucho bajo me tumero, samjhi na senorita. Chahat ke do pal hi mil paaye, duniya mein bhi kam hai kya, do pal ko dobao ho jaaye. Bhule hum ho ka hum hai kya senorita, slow slow senorita kehte hai hum kya. Kama podre तो? हाँ मैं ठीक हूँ, तुमने जान बचा ली, वरना हमने तो फंस जाना था भाई गॉड. लेकिन ये सब किया किसने? मुझे पता है, मुझे अच्छे से पता है ये काम किसका है. चलो मोना, वो सब बाद में सोचेंगे, पहले तुम जाओ, जल्दी से तैयार हो जाओ, हमारा नंबर कभी भी आ सकता है. अरे रब्बा, मैं भूल गई. जाओ जाओ. क्या बात है यार, जोड़ी नंबर 11 ने भी क्या डांस का जलवा बिखरा यहाँ पर. लेकिन अभी कॉम्पिटिशन खत्म नहीं हुआ है, अभी कॉम्पिटिशन बाकी है मेरे दोस्त, क्योंकि अगली जोड़ी आ रही है, जोड़ी नंबर 8, करण और हेता. ये डांस शुरू करने से पहले मैं एक ऐसे इंसान से कुछ कहना चाहती हूँ जिनसे मैं दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करती हूं. अम्बा जी, ये डांस मैं आपके लिए कर रही हूं.
हाय रब्बा, 5 मिनट बचे, जल्दी चलो। बल्कि मोना अभी भी टाइम है हमारे पास। तेरे कान की? वो तो अंदर ही रह गए। मैं भी। क्या हुआ? बहुत दर्द हो रहा है। उठने की कोशिश करो मोना, संभल के, संभल के। नहीं अंकल, मुझे बहुत दर्द हो रहा है अंकल। मैं उठ नहीं पा रही। बहुत दर्द हो रहा है। बहुत दर्द हो रहा है। कुछ नहीं होगा मोना, तुम उठने की कोशिश करो। चलो। मैं डांस नहीं कर पाऊंगी। कुछ नहीं होगा मोना, तुम उठो। उठो। संभल के मोना, कुछ नहीं होगा। मैं नहीं चल पा रही। उठो। और अब जो अगली जोड़ी आने वाली है वो है जोड़ी नंबर 4, मोना एंड अनुकल्प। मोना एंड अनुकल्प, अरे आइए, लगता है शर्मा रहे हैं डांस करने से। मोना अनुकल्प, जल्दी से आइए मंच पे। हाँ जी, ओके ओके। दोस्तों सॉरी, आप लोगों को थोड़ा सा इंतजार करवाया, लेकिन अभी अभी मुझे पता चला है कि हमारी जोड़ी नंबर 4 मोना और अनुकल्प आज यहां पर परफॉर्म नहीं करेंगे। क्योंकि थोड़ी देर पहले मोना का एक एक्सीडेंट हो गया है और उनके पैर में चोट लग गई है। संभल के मोना, अंकल मोना कुछ नहीं होगा। मोना का एक एक्सीडेंट हो गया है और उनके पैर में चोट लग गई है। कारणवश आज का डांस परफॉर्मेंस नहीं होगा, पर किसी ने बिल्कुल ठीक कहा है, द शो मस्ट गो ऑन, और इसीलिए हम बुलाते हैं हमारी अगली जोड़ी को जो है रेली। आप सब की दुआएं कमाल करके दिखा रही हैं। ऊपर वाले ने आप सब की सुन ली है, क्योंकि अगली परफॉर्मिंग जोड़ी है जोड़ी नंबर 4 मोना एंड अनुकल्प। दिल जो लगाया
तो जहां मैंने पाया कभी सोचा न था ये मिलों दूर होगा साया. क्यों खुदा तूने मुझे ऐसा ख्वाब दिखाया जब हकीकत में उसे तोड़ना था. परफॉर्मेंस. लेकिन अब बारी आ गई है रिजल्ट्स की. बड़ा मुश्किल होता है कि अगर आपका जोड़ीदार बीच रास्ते में अगर आपका साथ छोड़ दे तो पार्टनर कितना मेहनत करता है अपने जोड़ीदार को अपने साथ आगे बढ़ाने के लिए. हम सब जानते हैं यार रिश्तों में उतार चढ़ाव सबके होती है, लेकिन साथ बनाए रखना, एक दूसरे का साथ देना, यही हिम्मत कहा जाता है. बहुत ही जबरदस्त परफॉर्मेंस गया हमारा लास्ट. देखते हैं हमारी ऑडियंस को कैसा लगा और कौन सा परफॉर्मेंस सबसे बेस्ट लगा. ऑडियंस एनी गेसेस कि आज के विजेता कौन होंगे. ओके ओके ओके. कोई कह रहा है एक नंबर, कोई कह रहा है दस नंबर, कोई कह रहा है मोना अनुकल्प चार नंबर. चलिए एक काम करते हैं, अब आपको बताते हैं कि वो कौन सी जोड़ी है जो विनर बनी है. लेकिन यार दो खास जज है हमारे पास यहाँ पर, दो खास मेहमान है हमारे पास, तो मैं कैसे बताऊं. जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए दिया जी और जर जी का मंच पे. सच में बहुत 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 खूबसूरत परफॉर्मेंस थी, दिल को छू गई वाकई में. ये तारीफ हो रही है हमारी आखिरी परफॉर्मेंस की, लेकिन अभी फैसला आना बाकी है. तो दिया आप जो मंच पे आए हैं, लेकिन सबने अपने अपने विचार बता दिए यहाँ पर कि किसी को चार नंबर, किसी को तीन नंबर, लेकिन लास्ट परफॉर्मेंस सबके दिल को कहीं ना कहीं छुआ है. ऑफ कोर्स आई थिंक जब कोई भी जज करने आता है तो हम हमेशा कहते हैं कि सारे परफॉर्मेंसेस अच्छे हैं, सब अपना यू नो एवरीबॉडी डज देयर बेस्ट, लेकिन मोना और अनुकल्प को देखकर बिल्कुल दिल खुश हो गया. बहुत ही दिलदार परफॉर्मेंस थी और सो ब्यूटीफुल आउटस्टैंडिंग. आप लोग खुद यहाँ जोड़ी में, हमको मालूम है कि महत्व जोड़ी में साथ चलने का और जब जोड़ी एक पार्टनर. एब्सोल्युटली आई थिंक यू नो रिलेशनशिप तभी खूबसूरत होता है जब अगर हम वो परफेक्शन इम्परफेक्शन में ढूंढे, एक दूसरे का सहारा दे, तब जाकर हम एक खूबसूरत जोड़ी बन सकते हैं, राम मिलाए जोड़ी बन सकते हैं. और सही में अगर आप हिम्मत, हौसला, मन और लगन से जो भी करें, कुछ भी करें, तो जीत सामने ही होती है. वैसे अब समय आ गया है बताने का कि वो कौन सी जोड़ी है जिन्होंने यहाँ पर सबसे हाईएस्ट पॉइंट स्कोर किए हैं और अपने लिए विजेता की ट्रॉफी जीत ली है. जी हाँ, हमने दोनों राउंड्स के पॉइंट को टोटल किया और करने के बाद जो जोड़ी यहाँ पर साफ साफ विनर बन के सामने आई है. एंड द विनर इज जोड़ी नंबर चार. मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा हम जीत गए. जोड़ी
अनुकला, मैं यही कहना चाहूँगा कि बहुत बहुत बधाई. इंशाल्लाह खुदा आपको ऐसी सही सलामत रखे. आई थिंक रिश्ते इसलिए बनते हैं ताकि हम अपने हिस्से की खुशी किसी और के साथ बांट सके और खुशी के मायने समझ सके. तो हमारी यही मनोकामना है कि आप सब हमेशा खुश रहें और अपनी खुशी अपने पार्टनर्स, अपने रिलेशनशिप्स में, अपने रिश्तेदारों के साथ हमेशा बांट पाए.